यूपी प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए लगभग 37 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। 15 अक्टूबर को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के लिए रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में भारी भीड़ इकट्ठा हुई थी। इस भारी भीड़ को लेकर कई विपक्ष के नेताओं ने ट्वीट्स किए थे। राहुल गांधी सहित कई नेताओं ने देश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं की दुर्दशा के बारे में बताया था। इसके लिए उन्होंने कुछ तस्वीरें और वीडियोस का इस्तेमाल भी किया। आज के इस वीडियो में हम आपको यूपी पेट से जोड़कर शेयर किए गए दो वीडियोस की असलियत बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस वीडियो की। ये वीडियो शेयर करते हुए कहा गया कि यूपी पेट के उम्मीदवारों की ये भीड़ प्रयागराज से अपने परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के लिए जा रही है। टाइम्स नाउ ने परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने वाले छात्रों की भारी भीड़ को रिपोर्ट करते हुए ये वायरल वीडियो आर्टिकल में शेयर किया है। न्यूज 24 ने भी इस रिपोर्ट में ये वायरल वीडियो चलाया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ये वीडियो ट्वीट किया था, लेकिन बाद में उन्होंने ये ट्वीट डिलीट कर दिया। दैनिक भास्कर के रिपोर्टर कोमल निगम और नवभारत टाइम्स के पत्रकार सुमित शर्मा भी ये वीडियो ट्वीट करने वाले लोगों की लिस्ट में शामिल है। हालांकि इस वीडियो के फ्रेम को रिवर्स इमेज सर्च करने पर हमें ये वीडियो 2018 में यूट्यूब पर अपलोड किया हुआ मिला। टाइटल में इसे पटना का बताया गया है। उत्तर मध्य रेलवे ने प्रियंका गांधी वाड्रा के ट्वीट की असलियत बताते हुए कहा कि इस वीडियो का हाल में हो रही पेट एग्जाम से कोई संबंध नहीं है। अब बात करते हैं इस वीडियो की। इसे भी यूपी पेट एग्जाम देने के लिए इकट्ठा हुई भारी भीड़ का बताकर शेयर किया जा रहा है। राष्ट्र मंच ने ये वीडियो इसी दावे के साथ ट्वीट किया। वहीं राहुल गांधी भी ये वीडियो ट्वीट करने वाले लोगों के लिस्ट में शामिल है। लेकिन हम आपको बता दें कि ऑल्ट न्यूज ने फरवरी 2021 में ही इस वीडियो के बारे में ये फैक्ट चेक रिपोर्ट पब्लिश की थी। तब ये वीडियो मुंबई में दोबारा शुरू हुई लोकल ट्रेन सर्विस के चलते इकट्ठा हुई भारी भीड़ का बताकर शेयर किया जा रहा था। दरअसल ये वीडियो 21 मार्च 2016 को यूट्यूब पर अपलोड किया गया था। वीडियो के टाइटल में इसे मुंबई का बताया गया है। इन्फो उत्तर प्रदेश फैक्ट चेक ने भी ट्वीट करते हुए इन दोनों वीडियोस की सच्चाई बताई थी। यानी यूपी पेट एग्जाम के चलते रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में इकट्ठा हुई भारी भीड़ की बताकर शेयर किए गए ये दोनों वीडियोस पुराने हैं।